सावन के सभी सोमवार बहुत खास माने जाते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। वैसे तो साल भर के सभी सोमवार शिव जी की आराधना के लिए उत्तम माने जाते हैं, लेकिन सावन माह में सोमवार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन में सोमवार के दिन व्रत रखने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव जी की पूजा करने के लिए वैसे तो कई नियम होते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक या जलाभिषेक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जलाभिषेक से शिव जी प्रसन्न होते हैं, लेकिन अभिषेक को लेकर कुछ नियम होते हैं जिन्हें जानना हर किसी के लिए जरूरी है। शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय आपको पूर्व दिशा की ओर नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यदि आप पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर जलाभिषेक करेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, जबकि दक्षिण दिशा पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा आपको दक्षिण दिशा की ओर खड़े होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा और उत्तर दिशा देवी देवता की दिशा होती है। इसके अलावा पश्चिम दिशा की ओर भी खड़े होकर शिव जी को जल अर्पित न करें, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान की पीठ होती है, इसलिए इस दिशा में खड़े होकर जलाभिषेक करने से फलों की प्राप्ति नहीं होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग का जलाभिषेक बैठकर या झुककर करें, क्योंकि सीधे खड़े होकर शिवलिंग का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी तांबे, स्टील आदि के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए चांदी और कांसे के लोटे का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर कभी भी तेजी से जलाभिषेक न करें, धीरे धीरे जल की धार गिराते हुए जलाभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। इसके अलावा शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर जो जल अर्पित किया जाता है वह पवित्र हो जाता है, ऐसे में उस जल को लांघना अशुभ होता है। सावन के पवित्र महीने में खाने पीने की चीजों को लेकर बेहद सावधानी बरती जाती है। इस महीने मांस मछली के सेवन से परहेज किया जाता है। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन करने वालों को बैंगन खाने से भी परहेज करना चाहिए। दरअसल बैंगन को एक अशुद्ध सब्जी माना जाता है, इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते हैं। श्रावण मास में शिवलिंग का दूध से जलाभिषेक करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसी कारण इस महीने दूध पीने से परहेज करना चाहिए। भाद्र मास में दही की तरह सावन में दूध से परहेज करना चाहिए। भगवान शिव को बेल पर धान और भटूरा काफी प्रिय है, लेकिन पूजा के वक्त कुछ खास चीजें चढ़ाने से बचना चाहिए। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है तो उस पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। किसी का अपमान न करें और किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में नहीं लाना चाहिए। खासतौर से गुरु, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और द्वार पर आए लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। शंकर भगवान को समर्पित सावन का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने भक्त पूरे श्रद्धा भाव से शंकर भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग की महिमा और बढ़ जाती है। शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजें अर्पित की जाती हैं, ताकि उनकी कृपा प्राप्त की जा सके। भोलेनाथ की प्रिय चीजों में से एक है बेलपत्र। बेलपत्र को बिल्वपत्र भी कहा जाता है। इसे चढ़ाने के कुछ खास नियम हैं, जिसका पालन करना जरूरी है। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, साथ ही इस पर अधिक धारियां भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र के बहुत से पत्तों
पर चक्र और धारियां होती हैं जिन्हें पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। चक्र और वज्र वाले बेलपत्र को खंडित माना जाता है।